हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना चैनल लाइफ इज असम सेल में। आज देखिएगा व्यूवर्स, हम आपको बता रहे हैं 30x60 ये जो है टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है। यहाँ पे जो है काला मिट्टी यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल में जो काम चल रहा है, देखो इसका मैं अपडेट देना चाहता हूँ। वीडियो को देखिएगा, जो कोई भी ऐसा कुछ ब्लैक कॉटन सॉइल में घर बांध रहे हैं या फिर जो खेती मिट्टी रहता उस प्रदेश में आप लोग घर बांध रहे, तो आपके लिए एक वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। नए हैं तो वीडियो को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पर जो है आप पूरे पुराना वीडियोस देख सकते हैं इस घर का, एक्सकेवेशन से लेके कॉलम का फुटिंग वो सब है, पूरे अवेलेबल है मेरे पास वीडियोस, सेपरेट प्लेलिस्ट है। यहाँ पर देखो एक कंपाउंड वॉल, कंपाउंड वॉल के बाजू में जो मिट्टी है, देखो पहले क्या करें, पूरा मिट्टी को खोदे, खोदने के बाद पूरा एक ये लेवल तक खोदे थे उन लोग। खोदने के बाद क्या करें, प्लिंथ फुटिंग हो या कॉलम हो या कॉलम का मार्किंग कर दिया, फुटिंग एक्सकेवेशन कर दिया, बैक फिलिंग कर दिया। अब ये लेवल पे क्या करें, फिर ये दोबारा एक बीम है, देखो एक कंपाउंड वॉल का बीम भी साथ में ही लिया उन्होंने। ये आउटर वॉल का बीम थोड़ा मोटा लिए थे 15x9 इंच में, और ये लिए थे 9x12 इंच में। ओके, ये थोड़ा इसके ऊपर फिर एक सिंगल पार्टीशन ब्रिक वर्क आता, और यहाँ पे जो है बैक फिलिंग होता। अब जितना भी घर है देखो ये पूरा सेटल होना है, समझो आपको, मतलब मिट्टी का कोई डर नहीं रहता, ऐसा सेटलमेंट का कुछ भी डर नहीं रहता आप लोगों को। कोई लोग सोचते हैं कि अरे यार हमारा घर दब जाएगा अगर हम काले मिट्टी में करें तो, या फिर आप कहीं जगह देखे होंगे साइड साइड से कंपाउंड वॉल क्रैक पड़ते आता, क्यों क्रैक आता, आप लोग ये मेथड नहीं फॉलो करते, बिकॉज इस घर में जो है इंजीनियर हो या फिर इस घर का जो हाउस ओनर है, जो इन्वेस्टर्स है, वो सही तरीके से एक करेक्ट वे से जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इतना नीट और सिस्टमेटिक वर्क। एंड उसके साथ जो है आउटर वॉल के साथ साथ कंपाउंड वॉल जो है ना एक साथ नहीं लेते हैं लोग, है ना दोस्तों, एक साथ नहीं लेते। उन्होंने क्या करते हैं, पहला घर बांधते हैं, उसके बाद लास्ट में कंपाउंड वॉल करेंगे उन लोग सोचते हैं। उस वक्त क्या रहता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या है, आपका फुटिंग जो रहता है देखो वो डैमेज होने का चांसेस रहता, सो वो सब अवॉइड कर सकते आप लोग। एंड ये प्रोसीजर देखो, जहाँ पे भी आपका ये इनर है, देखो यहाँ पे भी ब्रिक वर्क कर सकते आप चाहे तो, नहीं तो नहीं कर सकते, पूरा मिट्टी आप भर सकते, या फिर आप चाहे तो क्या है, ये ईंट है देखो, ये कॉलम टू कॉलम भी बीम डाले पूरा फुल, वहाँ पे भी ईंट का ये ब्रिक वर्क स्टोन वर्क करके फिर उसके बाद ये पूरा बेसमेंट तक बैक फिलिंग हो जाएगा। एंड अभी जो काम चल रहा है ये देखो ऐसा था, एंड यहाँ पे भी देखिएगा बैक फिलिंग हो जाएगा अंत में, और इसके ऊपर और एक प्लिंथ बीम आता है, ठीक है। इस तरीके से और अब नेक्स्ट बात करते हैं रॉड डिटेल्स के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर जो 16 mm का 1, 2, 3, 4 रॉड है, 12x4, सो स्ट्रेंथ तो सब सेम है, नॉर्मल जैसा हम यूज़ करते हैं ना घर के लिए वही इस्तेमाल किया गया। एंड ऊपर से क्या है, यहाँ पर देखिएगा स्टोन्स भी रखे हैं, सो दैट आप फ्यूचर में आप ऊपर रेज कर रहे हैं समझो तो ग्रिप भी मिलता, ऐसे स्टोन रखे हैं, कंकर भी रख सकते हैं आप, और कवरिंग भी दिया अच्छा, ये 2-2 इंच का कवरिंग है, 1.5-1.5 इंच का कवरिंग अच्छा है, ठीक है। बस यहाँ पर भी देखो स्टोन रखे तो थोड़ा अलग अलग दूसरे टाइप भी रखे तो भी चलता समझो, छोटे छोटे 20 mm तक रखना। ठीक है, धन्यवाद, कुछ हेल्प हुआ तो वीडियो को शेयर करिएगा।